हेलो जी, सलाम आदाब नमस्ते सत श्री अकाल ते जय साईं जी दी मेरे वालों जी ते मैं तुहाडा अपना देव हीर ते तुसीं देख रहे हो जी मेरा यूट्यूब चैनल देव हीर व्लॉग्स। जे तुसीं इस चैनल ते पहली बार आए हो तो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ ते बैल आइकन नूं ऑन करना ना भुल्लिओ ताकि तुहानूं आउण वाली हर एक नवीं वीडियो दी अपडेट अपने मिलदी रहे। आओ शुरू करदे हां जी अज दा किस्सा। अज का किस्सा जिहड़ा मैं तुहाडे नाल सांझा करना एक किस्सा भी साईं लाडी शाह सरकार जी का किस्सा आ जो कि गुरदास मान साहब ने अपनियां कई स्टेजां दे उत्ते इस गल नूं लोकां दे नाल सांझा किया। तो मैं सोचा कि क्यों ना ये गल मैं तुहाडे सारयां दे नाल भी सांझी करा। तो अज तुसीं ये भी सोच रहे होंगे कि मैं सिर दे उत्ते साफा क्यों बन्निया, क्योंकि जो अज का किस्सा इस किस्से दे विच गल होनी आ वो गल ही इदां दी है कि बिना सिर ढके जे मैं बोलदा तां चंगा नहीं सी लगना। मैनू ऐ लगना सी कि यार मैं बेअदबी कर रहा। सो इस करके कहिंदे एक बार नकोदर दरबार दे विच ना एक सरदार मुंडा आया सलाम करन वास्ते। वह सरदार मुंडा आया मत्था टेकण वास्ते तां साईं लाडी शाह सरकार जी ने उस सरदार मुंडे नूं रोक दिता सी मत्था टेकण लई। वह क्यों रोकिया सी? उस सरदार मुंडे दे सिर दे उत्ते ना केसरी रंग की पग बन्नी हुई सी। जदों उस सरदार मुंडे ने साईं लाडी शाह सरकार जी नूं आके मत्था टेकना चाहिया सिर झुकाया तां साईं जी ने उहनूं मना करता कि ना काका ना मत्था ना टेकी। वह मुंडा डर गया, कहिंदा बाबा जी की गल हो गई, मैं कोई गलती करती? साईं जी कहिंदे नहीं, कहिंदे ये जिहड़ा रंग आ ना केसरी ये तैनूं पता ये खालसे का रंग आ, ये किन्हां ने दिता थोनू रंग? झूल दे निशान रहन पंथ महाराज दे। कहिंदे ये रंग उन्हां ने दिता आ जिन्हां ने चार पुत वारे, पंजवीं मां वारी, छेवां बाप वारिया ते सतवां आप वारिया। गुरदास मान साहब कहिंदे जदों साईं जी ने ये अपने मूहों बोल उस सरदार मुंडे नूं कहे उस टाइम कहिंदे मैं भी उत्थे बैठा सी। उन्हां दे मूहों ये बोल सुन के ना उस तो बाद कहिंदे ये गीत लिखिया गया सी कि सरबंस दानिया वे देना कौन देऊगा तेरा। क्योंकि मान साहब दे जिन्ने भी गीत ने वह हर गीतां दे विच कोई ना कोई राज आ। हर गीत दियां लाइनां साईं लाडी शाह सरकार जी दे वल्लों कितना कितों आईयां होईयां ने जे आपां गौर नाल सुणीए तां। सो उस सरदार मुंडे नूं साईं जी दी एक गल सुन के बड़ा चंगा लग्या, तो बड़ा खुश होया। तो ये किस्सा उन्हां सारयां वास्ते भी है कि जेड़े कई कहिंदे ने कि वह पीरां दा दरबार आ, वह गुरु ग्रंथ साहिब नूं नहीं मानदे, वह गुरुद्वारे वाले नूं नहीं मानदे, इदां इदां इदां। फकीर जिहड़ा हुंदा वह हर एक दा आदर सत्कार करदा। सो ये किस्सा जे तुहानूं चंगा लग्या होवे तां लाइक कमेंट ते शेयर जरूर कर दिओ जी। जय साईं जी।